तो देखिए पहले दुआ ले लेते हैं। दुआ के कबूल होने की तीन शक्लें हदीस में आती है। दुआ तीन शक्लों में कबूल होती है, तीन शक्लें, ठीक। एक अलामत, एक में पता चलेंगी, दो में अलामत पता नहीं चलती है। तो दुआ कबूल करने की देखा है तो एक ही अलामत है, फिर बाकी दो अलामतें पता नहीं चलती। शक्लें तीन है, लेकिन पहली शक्ल दुआ कबूल होने की है, जो मांगा वो मिल जाता है। तो आपने जो मांगा मिल गया, ये अलामत है कि आपने जो मांगा मिल गया, दुआ कबूल हुई। जो मांगा मिल जाता है, ये पहली शक्ल दुआ कबूल होने की अलामत भी है कि दुआ आपकी कबूल होगी। दूसरी चीज जो अलामत तो नहीं है लेकिन समझ सकते आप समझना चाहे तो, लेकिन ये कबूल होने की एक शक्ल है, वो ये है जो मांगा वो कबूल नहीं हुआ लेकिन उसके बराबर एक मुसीबत अल्लाह ने टाल दी। अभी समझने वाला बंदा समझ जाए तो ठीक, वरना नाशुक्रा बंदा तो रोता ही रहेगा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। दुआ की कबूल होने की पहली कंडीशन, पहली शक्ल ये है, सूरत ये है कि जो मांगा वो मिल गया, ये तो पता चला, अलामत भी होगी कि आपने जो मांगा था मिल भी गया। दूसरी अलामत जिसको, दूसरी कंडीशन दुआ कबूल होने की दूसरी शक्ल ये है, जो मांगा वो नहीं मिला उसके बराबर किसी मुसीबत को अल्लाह ताला ने टाल दिया। इसको भी आप अलामत भी ले सकते हैं, कोई मुसीबत टल गई तो आप ये सोच सकते हैं, अरे मैंने ये मांगा था, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुसीबत टाल दी, ये दूसरी होगी, समझे आप। और अलामत भी बोल सकते हैं आप, या फिर अलामत नहीं भी समझे तो दूसरी शक्ल है। और तीसरी दुआ कबूल होने की शक्ल क्या मानूं आपको, रोजे क़यामत बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा, अपने नामे अमल देखेंगे तो कहेंगे ये और नेकी तो मैंने कभी की नहीं दुनिया में, लेकिन नामे अमल में लिखी है। तो बंदे से कहा जाएगा ये वो दुआएं थी तेरी जो तू किया करता था, दुआएं तो कबूल नहीं हुई, बदले में आज नामे अमल में अजर दे दिया गया। बंदा कहेगा हाय अफसोस, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती, क्योंकि जो बदले मिलेंगे ना, रिवार्ड्स उसके बदले वो इतने हैवी और ज्यादा होंगे कि बंदा बोलेगा कोई कबूल ना होती भी चलता। तो अलामत तो एक ही है, जो मांगा वो मिल गया, बाकी शक्लें तीन है कबूल होने की, जो मांगा मिल गया, जो मांगा वो नहीं मिला उसके बराबर। ऐसा कोई आदमी औलाद मांग रहा, औलाद मांग रहा, औलाद नहीं मिल, लेकिन हो सकता है अल्लाह वो दुआ नहीं सुन के औलाद के बदले उसकी जिंदगी उसको देते जा रहा है, उसको मुसीबतों से हटाते जा रहा है, होता है ऐसा, समझिया। और तीसरा आखिरत में बदला, ये तीन शक्लें हैं और एक अलामत यह है कि कबूल। अब तौबा, अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।